मेरा वीडियो दिखना बंद हो जाएगा, चिंता मत करना। स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर। गॉर्डन कुक एंड एलन हीस्ट द्वारा लिखी थी कहानी, बहुत गजब का एक रियल लाइफ एडवेंचर है। कैसे मौत के मुंह से एक परिवार जिंदा बच निकलता है उसकी कहानी है। प्लीज कंफर्म कि ऑडियो क्लियर है, अपना हाथ ऊंचा करिए अगर आपको मेरी आवाज क्लियर आ रही है। इफ यू कैन हियर मी क्लियरली यू कैन रेज योर हैंड, रेज योर हैंड इफ यू कैन हियर मी क्लियरली। बेटा अगर आवाज क्लियर आ रही हो तो हाथ ऊंचा करेंगे प्लीज, सो दैट आई कैन सी। वेरी गुड, थैंक यू। चलिए तो अभी तक की कहानी क्या है। फर्स्ट पार्ट जो आपको मैं पढ़ के सुना चुका था वो क्या था, गॉर्डन कुक 300 साल पुरानी एक जर्नी वापस जीना चाहते हैं। कैप्टन स्टीफन कुक ने अराउंड द वर्ल्ड का टूर किया था एक शिप में बैठ के, बस उसी को दोहराने की उम्मीद में गॉर्डन कुक निकलना चाहते हैं। अपनी पत्नी के साथ 1976 में इनका बेटा जॉनथन और इनकी बेटी सुजैन ये निकल पड़े प्लेमाउथ इंग्लैंड से राउंड द वर्ल्ड वॉयज 200 साल पहले कैप्टन जेम्स कुक ने की थी, ठीक है। और ये और इनकी पत्नी मैरी, इन दोनों ने लगभग अपनी जिंदगी के 16 साल पिछले इसी तैयारी में बिताए थे। सी फायरिंग स्किल्स मतलब ओशियनिक स्किल्स, समुद्र में तैरना, ट्रेवल करना, उसके स्किल्स इंप्रूव करना। उनकी बोट का नाम था वेव वॉकर, 23 मीटर लंबी, 30 टन लकड़े की बनी हुई गजब की खूबसूरत बोट थी। 1,05,000 किलोमीटर का 3 साल का सफर इन्होंने तैयार प्लान किया था। वो वहां से निकलते हैं साउथ अफ्रीका के लिए, केप टाउन पे इनके साथ दो लोग और जुड़ जाते हैं, अमेरिका का लैरी विजन और स्विट्जरलैंड से हर्ब सीगलर। ये लोग अपने सफर में निकल पड़ते हैं केप टाउन से दूर, समुद्र में क्रिसमस मनाते हैं। न्यू ईयर के बाद समुद्र बहुत रफ हो जाता है, तूफान आ जाता है और बुरी तरह से नाव में तोड़फोड़ मच जाती है, भयानक हालात हो जाते हैं, चोटें लगती हैं, मुंह से खून बहता है। ओके, सो हम यहां पे पहुंचे थे, वुड श्योरली स्लिंग। उनको तय था कि अगर इन्होंने कोई और रास्ता नहीं किया, कुछ और अच्छा नहीं किया तो इनकी बोट जो है वो डूब जाएगी। आगे somehow I managed to stretch canvas and secure waterproof hatch covers across the gaping holes. Some water continued to stream below, but most of it was now being deflected over the side. तो ये waterproof covers लिया है जिनके जरिए पानी को बाहर की तरफ रोका जा सके। More problem arose. Arose basically arise का ही form है, उभर आना। Arise का arose होता है, उभर आना, सामने आ जाना। More problems arose when our hand pump started to block up with debris floating around the cabins and the electric pump short circuited. अब पानी बाहर फेंकने के लिए पंप एक दो थे, एक तो हाथ से चल रहे थे, वो ब्लॉकेज के कारण खराब हो गए, काम नहीं कर रहे। दूसरा जो इलेक्ट्रिक पंप था वो शॉर्ट सर्किट हो गया। द वॉटर लेवल रोज थ्रेटनिंगली, पानी का लेवल जो है वो बढ़ रहा था डरावने तरीके से। बैक ऑन डेक आई फाउंड दैट आवर टू स्पेयर हैंड पंप्स हैड बीन रेंच्ड ओवरबोर्ड। रेंच मतलब होता है उखड़ जाना, जब किसी चीज को जड़ से उखाड़ के फेंकते हैं उसके लिए यूज होता है शब्द रेंच्ड। तो इनको रियलाइज हुआ कि हमारे जो दो है दूसरे हैंड पंप्स हैं वो भी उखाड़ गए हैं। अलोंग विद द फोरस्टे सेल द जिब द डिंगीज एंड द मेन एंकर। जिब मैं आपको पहले भी बता चुका था, डिंगीज ये शॉर्ट बोट्स होती है और मेन एंकर यानी वो लंगर एक एंकर डिजाइन का होता है जिसको ट्रायंगुलर शेप, तीन एरो के डिजाइन का होता है एंकर, जिसको समुद्र में डाला जाता है बोट को रोकने के लिए। तो सब कुछ उड़ चुका था। देन आई रिमेम्बर वी हैड अनदर इलेक्ट्रिक पंप अंडर द चार्ट रूम फ्लोर। आई कनेक्टेड इट टू एन ऑटो पाइप एंड वॉज थैंकफुल टू फाइंड दैट इट वर्क। तभी इनको रियलाइज हुआ कि एक और पंप भी है, उन्होंने उसे शुरू किया और नसीब अच्छा था कि वो चला। The night dragged on with an endless, bitterly cold routine of pumping, steering and working the radio. We were getting no replies to our Mayday calls. Basically, Mayday calls क्या होता है? Help. ब्रिटेन में, खास करके यूरोप में या अमेरिका में या दुनिया में कहीं पर भी
कोई भी एयरलाइन या शिप की जगह पे नुकसान होता है, गाड़ी क्रैश होने वाला है प्लेन, तो ये लोग मे डे बोलते हैं, मे डे मतलब मेरी मदद करिए, समझे बेटा? विच वॉज नॉट सरप्राइजिंग इन दिस रिमोट कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड. अब कोई जवाब नहीं आ रहा था, क्यों? क्योंकि दूर दूर तक कोई आइलैंड नहीं, कोई जगह नहीं, कोई रहने की पोजिशन नहीं, तो जवाब आएगा भी तो कैसे? कहीं से कोई रिप्लाई नहीं मिल रहा था, Sue's head had swollen alarmingly. इनकी जो बेटी थी सुजैन, उसका सर जो था वो सूज गया था. She had two enormous black eyes and now she showed us a deep cut on her arm. उसकी आंखें जो थी बुरी तरह से काली हो गई थी स्वेलिंग के कारण, और उसने दिखाया कि उसके हाथ पे भी एक गहरा कट था. When I asked why she hadn't made more of her injuries before this, she replied, I didn't want to worry you when you were trying to save us all. जब पिता उनसे पूछते हैं कि बेटा अगर इतनी तकलीफ थी तो बता तो दिया होता, तो ये कहती हैं कि पापा मैं आपको परेशान नहीं करना चाहती थी, आप वैसे भी हमें बचाने के लिए पूरी कोशिश में लगे हुए थे. यहाँ तक अगर किसी को डाउट हो तो चैट में पूछो, डाउट ना हो तो हाथ ऊंचा कर लो बेटा प्लीज. थैंक यू. मेजोरिटी स्टूडेंट्स हैव रीजन देयर हैंड. चलिए आगे बढ़ते हैं. By morning on January 3, the pumps had the water level sufficiently under control for us to take 2 hours rest in rotation. अब 3 तारीख की सुबह होते होते पानी का लेवल इतना कंट्रोल में आ चुका था कि ये लोग बारी बारी से, इन रोटेशन मतलब बारी बारी से, एक एक करके दो दो घंटे की नींद नहीं सकते. But we still had a tremendous leak somewhere below the water line and on checking I found that nearly all the boat's main rib frames were smashed down to the keel. अब इन्होंने जब ऑब्जर्व किया तो इनको पता चला कि नीचे कुछ बड़ा लीक था जो बार बार पानी को बाहर ले जा रहा था, जो बार बार पानी को अंदर ले आ रहा था, और इनको एनी हाउ उसे कंट्रोल करना था. होल सेक्शन ऑफ द स्टारबोर्ड हल एक्सेप्ट अ फ्यू कबर्ड पार्टीशंस वी हैड सर्वाइव्ड फॉर 15 आवर्स सिंस द वेव हिट. इनके ऊपर वो जो समुद्र की लहर का हमला हुआ था उसके ऊपर ये 15 घंटे निकाल चुके थे, बट वेव वॉकर वुडंट होल्ड टुगेदर लॉन्ग इनफ फॉर अस टू रीच ऑस्ट्रेलिया. अब ये तो तय था कि इनकी बोट जो है वेव वॉकर वो इतनी लंबी और इतनी मजबूत भी नहीं है कि इनको ऑस्ट्रेलिया तक ले जाए. आई चेक द चार्ट्स एंड कैलकुलेट दैट देयर वर टू स्मॉल आइलैंड्स ऑफ फ्यू 100 किलोमीटर टू द ईस्ट. इन्होंने मैप चेक किया और इनको रियलाइज हुआ कि ईस्ट यानी पूरब की तरफ कुछ 100 किलोमीटर की दूरी पर, कुछ सौ किलोमीटर की दूरी पर दो छोटे आइलैंड्स थे. वन ऑफ देम आइल एम्स्टरडैम वाज अ फ्रेंच साइंटिफिक बेस. आवर ओनली होप वाज टू रीच दीज पिन प्रिक्स इन द वास्ट ओशन. पिन प्रिक्स मतलब वेरी स्मॉल, टाइनी, सुई जितना छोटा. तो कहते हैं सुई जितनी बारीक चीज हमें इस समुद्र में ढूंढनी थी. बट अनलेस द विंड एंड सीज अबेटेड so we could hoist sail, our chances would be slim indeed. The great wave had put our auxiliary engine out of action. अब ये क्या कहना चाहते हैं ध्यान से सुनिए, क्योंकि कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो इसमें आपको परेशान कर सकते हैं. इन्होंने कैलकुलेट किया कि वहां तक अगर पहुंचना है तो हमें दो चीजों की मदद चाहिए होगी. पहला, हवा हमारे फेवर में चले. दूसरा, मैं अभी अंडरलाइन कर रहा हूं ताकि आपको पता चले, अबेटेड. समुद्र जितना फियर्स है, जितना तेज है, उससे कम तेज हो जाए, उसकी लहरें थोड़ी शांत हो जाए. हॉइस्ट मतलब जैसे झंडा फहराते हैं ना, उसी तरह से बोट में कपड़ा होता है उसको फहराया जाता है ताकि हवा के माध्यम से बोट अपने आप चले. ओके, तो चांसेस बहुत कम थे लेकिन कोशिश करनी थी. और इनका ऑक्सिलरी इंजन मतलब एक्स्ट्रा इंजन, सेकंड इंजन खराब हो चुका. ऑन जनवरी 4 आफ्टर 36 आवर्स ऑफ कंटीन्यूअस पंपिंग वी रीच्ड द लास्ट फ्यू सेंटीमीटर्स ऑफ वाटर. 4 जनवरी 36 घंटे की पंपिंग के बाद
कुछ सेंटीमीटर का पानी बचा. नाउ वी हैड ओनली टू कीप पेस विद द वाटर स्टिल कमिंग इन. वी कुड नॉट सेट एनी सेल ऑन द मेन मास्ट. प्रेशर ऑन रिगिंग वुड सिंपली पुल द डैमेज सेक्शन ऑफ द हल अपार्ट. सो वी होइस्टेड द स्टॉर्म जिब एंड हेडेड फॉर वेयर आई थॉट द टू आइलैंड्स वर. मैरी फाउंड सम कॉर्न्ड बीफ एंड क्रैकर बिस्किट्स एंड वी एट आवर फ्रूट्स फर्स्ट मील इन ऑलमोस्ट टू डेज. हालात बहुत खराब थे. अब पानी तो हम निकाल रहे थे, बाकी बोट को चलाना हमारे बस में था ही नहीं, तो हमने नसीब पे उसे छोड़ दिया और आगे की तरफ जाने दिया. दो दिन में पहली बार हमको खाने को क्या मिला? कॉर्न्ड बीफ, गाय के मांस को बीफ कहा जाता है, और क्रैकर बिस्किट्स, बिस्किट्स का. बट अवर रिस्पाइट वॉज शॉर्ट लिव्ड. रिस्पाइट का मतलब होता है रिलीफ. रिस्पाइट शब्द का मतलब होता है रिलीफ. आई रिपीट, रिस्पाइट शब्द का अर्थ होता है रिलीफ. फॉर शॉर्ट लिव्ड. एट 4 पीएम ब्लैक क्लाउड्स बिगन बिल्डिंग अप बिहाइंड अस. विद इन द आवर द विंड वाज बैक टू 40 नॉट्स. नॉट्स बेसिकली समुद्र में तैरने की स्पीड होती है. समुद्र के अंदर डिस्टेंस को नॉटिकल माइल्स में नापा जाता है. हम जैसे नॉर्मल डिस्टेंस को किलोमीटर्स में मापते हैं ना बेटा, उसी तरह से समुद्र के अंदर जो आप हवा का बहाव या डिस्टेंस ट्रेवल करते हो उसे नॉटिकल माइल्स में नापा जाता है. ओके. एंड द सीज वर गेटिंग हायर. समुद्र की लहरें बहुत तेज ऊंची उठने लगी. द वेदर कंटिन्यूड टू डिटोरिएट थ्रू आउट द नाइट एंड बाय डॉन ऑन जनवरी 5 आवर सिचुएशन वॉज अगेन डेस्परेट. 5 जनवरी की सुबह तक हमारी हालत बहुत खराब थी. डेस्परेट मतलब बेचैन. हमें जरूरत थी बस यहां से निकल जाने की. When I went in to comfort the children, John asked, "Daddy, are we going to die?" अब इनके बेटे ने इनसे पूछा कि पापा क्या हम मरने वाले हैं? I tried to assure him that we could make it. मैंने उसको भरोसा दिलाया कि चिंता मत कर बेटा, हम पहुंच जाएंगे. आप इमोशन समझिए, आप एक बाप के मन की फीलिंग समझिए जब उसका बच्चा उससे पूछे कि पापा क्या हम मरने वाले हैं, वो क्या समझाए, क्या कहे. वो कहता है चिंता मत करो, हम बच जाएंगे. बट डैडी, he went on, वो कहता है, we aren't afraid to of dying if we can all be together, you and mommy, you and I. वो बच्चा इतनी प्यारी बात बोलता है कि पापा मुझे मरने से डर नहीं लगता अगर हम चारों एक साथ हैं, आप, मैं, मम्मी और शिव. ये दिखाता है इनका एक दूसरे के प्रति प्यार. ये दिखाता है इनका एक दूसरे के प्रति प्यार बेटा. ऐसी परिस्थिति में जहां पे मौत सर पे मंडरा रही और ये लोग बिल्कुल भी डरे हुए नहीं है, क्या बच्चा है और क्या उसकी हिम्मत. आई कुड फाइंड नो वर्ड्स विद विच टू रिस्पॉन्ड बट आई लेफ्ट द चिल्ड्रंस कैबिन डिटरमिन्ड टू फाइट द सी विद एवरीथिंग आई हैड. मैं उस बच्चे को कुछ नहीं कह पाया लेकिन ये फैसला करके निकला, निश्चय, स्ट्रॉन्ग डिसीजन. मैं निश्चय करके निकला कि कुछ भी हो जाए मैं समुद्र से लड़ पड़ूंगा लेकिन अपने बच्चों को बचाऊंगा. To protect the weakened starboard side, I decided to heave using an improvised sea anchor of heavy nylon rope and two 22-liter plastic barrels of paraffin. तो मैंने खुद एक एंकर बना लिया. दो खाली मेरे पास बैरल्स पड़े थे पैराफिन के. पैराफिन एक तरह का जेली है, केमिकल है. आप लोग जो सर्दियों के मौसम में शरीर पे रूखेपन से बचने के लिए वैसलीन लगाते हो, बेसिकली वो पैराफिन. That evening, Mary and I sat together holding hands as the motion of the ship brought more and more water in through the broken planks. We both felt that end was near. ये पति-पत्नी एक दूसरे का हाथ पकड़ के बैठे हैं, आसमान की तरफ देख रहे हैं, अंदर आते हुए पानी की तरफ देख रहे हैं, सोच रहे हैं कि हम बचेंगे कि नहीं बचेंगे. लगा कि जिंदगी बस खत्म है. But wave walker rode out the storm and by the morning of January 6th, with the wind easing, I tried to get a reading on the sextant. सेक्सटेंट इनका एक इंस्ट्रूमेंट होता है. तो 6 जनवरी के दिन वेव वॉकर स्टॉर्म से बाहर निकल चुकी थी. बैक इन चार्ट रूम आई वर्कड ऑन विंड स्पीड्स. ये विंड स्पीड्स की तरफ देखते हैं. चेंजेस ऑफ कोर्स, ड्रिफ्टिंग द करंट इन एन एफर्ट ऑफ कैलकुलेट आवर पोजीशन. द बेस्ट आई कुड डिटरमिन वाज दैट वी वर समवेयर इन 150,000 किलोमीटर ऑफ ओशन लुकिंग फॉर अ 65 किलोमीटर वाइड आई. 1.5 लाख किलोमीटर बड़े समुद्र में 65 किलोमीटर लंबा एक छोटा सा आइलैंड ढूंढ रहे. व्हाइल आई वाज थिंकिंग, सी मूविंग पेनफुली जॉइंड मी. द लेफ्ट साइड ऑफ हर हेड वाज नाउ वेरी स्वॉलन. सी का जो लेफ्ट साइड था सर का वो सूज चुका था
एंड हर ब्लैकेंड आईज नैरो टू स्लिट्स, उसकी आंखें बहुत सूज गई थी, वो कुछ नहीं देख पा रही थी। शी गेव मी अ कार्ड शी हैड मेड, उस बच्ची ने इनको एक कार्ड दिया जो उस बच्ची ने बनाया था। ऑन द फ्रंट शी हैड ड्रॉन कैरिकेचर्स ऑफ मैरी एंड मी विद द वर्ड्स हियर आर सम फनी पीपल, उस बच्ची ने उस कार्ड के ऊपर कैरिकेचर्स मतलब इमेजेस मैरी यानी इनकी पत्नी और ऑथर खुद गॉर्डन इन दोनों के इमेजेस बनाए थे और लिखा था ये कुछ मजेदार लोग हैं। Did they make you laugh? I laughed a lot as well. Inside was a message. अंदर एक मैसेज था। Oh, I love you both. मैं आपसे कितना प्यार करती हूँ। So this card is to say thank you and let's hope for the best. Somehow we had to make. ये उम्मीद करती है बच्ची, उनको होप दिलाती है कि चिंता मत करिए, कुछ ना कुछ अच्छा हो जाएगा, हम बच जाएंगे। I checked and rechecked my calculations. We had lost our main compass. And I was using a spare which had not been corrected for magnetic variation. इनका जो original compass था वो भी खो गया। एक दूसरा compass था जो बहुत लंबे समय से magnetic variation नहीं हुआ था, तो पता नहीं चल रहा था कहाँ जा रहा है। I made an allowance for this and another estimate of the influence of the westerly currents which flow through this part of the Indian Ocean. Westerly, waters flowing from the west, उसको कहते हैं westerly. Influence, प्रभाव, effect, pressure. About 2 p.m. I went on deck and asked Larry to steer a course of 185 degrees. 2 बजे ये अंदर डेक पे गए और अपने साथी लैरी को कहा कि काम करो 185 डिग्री की तरफ मुड़ा दो। If we were lucky, I told him with a conviction I did not feel, he could expect to see the island at about 5. ये उनको कहते हैं कि अगर हम सही रहे तो 5:00 तुम आइलैंड पे पहुंच जाओगे। Then with a heavy heart I went below. दुखी मन से, heavy heart indicates sadness. बेटा यहां तक अगर कोई डाउट हो तो फटाफट अंडरलाइन करो। बेटा वॉइस इसलिए नहीं आ रही थी क्योंकि मैंने खुद को म्यूट किया था, आप चिंता मत करिए। ओके, वेस्टर्ली मतलब वेस्ट साइड से आने वाले, मैंने अभी अभी बताया। मेडे कॉल्स यानी बचाव के लिए, सेव करने के लिए खुद को, जब आप चिल्लाते हैं तो उसको मेडे कहते हैं। रेंच्ड होता है मतलब उखाड़ फेंकना, ठीक है। तो यहां तक की कहानी से हम आगे बढ़ते हैं। अब दुखी मन से ये चले गए। Climbed on my bunk and amazingly dozed off. Dozed off मतलब नींद आ जाना। इनको नींद आ गई। When I woke, it was 6 p.m.
जब उठे तो 6 बज चुके थे एंड ग्रोइंग डार्क, चारों तरफ अंधेरा था। आई न्यू वी मस्ट हैव मिस्ड द आइलैंड, मुझे पता था कि हम आइलैंड मिस कर गए होंगे, एंड विद द सेल वी हैड लेफ्ट वी कुडंट होप टू गेट बैक इनटू द वेस्टर्ली विंड्स। और जिस तेज गति से हम आगे बढ़े थे, तय था कि हम वापस उस डायरेक्शन में नहीं जा सके। एट दैट मोमेंट अ टाउजल्ड हेड, टाउजल्ड हेड मतलब डबल द नॉर्मल साइज, सूजा हुआ, अपीयर्ड बाय माय बंक। कैन आई हैव अ हग, जोनाथन आस्क्ड। जोनाथन वहां पे आके बोलता है कि मुझे हग मिलेगा। सियू वाज राइट बिहाइंड हिम, सियू उसके पीछे थी। व्हाई एम आई गेटिंग अ हग नाउ आई आस्क्ड, इन्होंने पूछा कि भाई क्यों आप मुझे गले लगाना चाहते हैं। बिकॉज यू आर द बेस्ट डैडी इन द होल वर्ल्ड एंड द बेस्ट कैप्टन, माय सन रिप्लाइड। उनके बेटे ने कहा कि आप दुनिया के बेस्ट डैडी हैं और बेस्ट कैप्टन हैं। नॉट टुडे जॉन आई एम अफ्रेड, वो कहता है जॉन आज नहीं। Why you must be, आपको खुश होना चाहिए, said Sue in a matter of fact voice. You found the island, आपने वो island ढूंढ लिया। What? I shouted. Author चिल्ला उठे, ये क्या हुआ? It's out there in front of us. Island हमारे सामने है, as big as a battleship. एक battleship जितना बड़ा island है। I rushed on deck and gazed with relief at the stark outline of Isle Amsterdam. तो ये वाकई में Isle Amsterdam की तरफ पहुंच गए थे। It was only a bleak piece of volcanic rock, पत्थर, पहाड़, rock उसको कहते हैं, with little vegetation. Vegetation मतलब खेतीबाड़ी, हलियाली, the most beautiful island in the world. अब ये इन्होंने क्यों कहा है? क्योंकि इनकी जान बच गई है। We anchored offshore for the night and the next morning, all 28 inhabitants of the island. Inhabitants मतलब people living at a location, उनको inhabitant कहते हैं, cheered as they helped us ashore with land under my feet again. My thoughts were full of Larry and Herbie, cheerful and optimistic under the direst stress. Direst मतलब most difficult, सबसे कठिन। तो कठिन और तकलीफ देने वाले माहौल में भी Larry और Herb जो इनके साथी थे, उन्होंने इनको नहीं छोड़ा। Who stayed at the wheel for all those crucial hours? इनकी पत्नी मैरी जो ऐसे भयानक समय में भी शिप के व्हील को पकड़ के रखी। Most of all, I thought of a 7-year-old girl who did not want us to worry about a head injury. सबसे अच्छा मुझे लगा वो 7 की बच्ची के लिए जिसको दर्द था, तकलीफ थी, सर में इंजरी। Which subsequently took 6 minor operations to remove a recurring blood clot between skin and skull. उसकी स्किन और स्कल के बीचों बीच कई सारे छोटे छोटे ब्लड क्लॉट्स थे। उसके 6 ऑपरेशंस हुए। एंड फॉर अ 6-year-old बॉय हु वाज नॉट अफ्रेड टू डाई, और एक 6 का लड़का जिसको मरने से डर नहीं लगता था। यहाँ पे खत्म होती है इस यूनिट की कहानी। बेटा परिवार, मैं आज आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। एक सत्य घटना है। दक्षिण अमेरिका का एक देश है मैक्सिको। मैक्सिको में यह सच्ची घटना है जो आपको मैं बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। एक सैमुअल नाम का छोटा सा बच्चा था, अपने पापा से बहुत प्यार करता था। सैमुअल को स्कूल छोड़ने उसके पापा आए और बच्चा स्कूल उस दिन नहीं जाना चाहता था, बट उसके पापा छोड़ने आए थे तो आ गया था। जब वो स्कूल अंदर जाने लगा तो वो बच्चा वापस आता है, अपने पापा के पास खड़ा होता है और उनको बोलता है, पापा आप मुझे लेने आओगे ना? वो बच्चा इतना कहता है और फादर सामने क्या करता है, उसके सर पे हाथ फिराता है, उसके बाल ठीक करता है, उसको बोलता है, मेरे बच्चे चाहे कुछ भी हो जाए, तुम कहीं भी हो मैं तुम्हें लेने जरूर आऊंगा। वो बात जो है उस बच्चे के मन में एक पॉजिटिव इंपैक्ट क्रिएट कर दी कि मेरे पापा मेरे साथ हैं। कहानी मजेदार है, ध्यान से सुनिएगा। मुश्किल से 1 बीतता है तभी उसी जगह पर एक भयानक भूकंप आता है। भयानक भूकंप, ऐसे में क्या करें?
वो आदमी जब स्कूल के पास पहुंचता है तो पूरी बिल्डिंग भूकंप में मलबे में दब चुकी, सब कुछ तहस नहस बर्बाद। जहां पे किसी समय स्कूल था आज मलबा ही मलबा है, चारों तरफ टूटी फूटी दीवारें हैं, ईंटें हैं, सीमेंट की छतें हैं, सब कुछ खत्म हो चुका है, चीख पुकार मची हुई है। और ऐसा बताया जा रहा है कि सारे बच्चे मर गए, कोई नहीं बचा। पेरेंट्स का रोना बंद नहीं हो रहा, लेकिन सैमुअल के पापा ईंटें हटाना शुरू कर रहे हैं। सुबह के 11 बजे तक उस आदमी ने ईंटें हटाना शुरू किया, वो ईंटें हटाता जा रहा है, स्लैब हटा रहा है, अकेला ही मेहनत कर रहा है। लोग उसको रोकने की कोशिश कर रहे हैं, समझाने की कोशिश कर रहे हैं, अरे भाई कुछ नहीं होगा, खत्म हो चुका होगा, तेरा बच्चा कहाँ बचेगा। लेकिन ये रुक नहीं रहा है, ये खोद रहा है, हटा रहा है, हटा रहा है, हटाता जा रहा है, बिना रुके, बिना थके, पानी की एक बूंद पिए, कॉन्स्टेंट उस कोशिश में लगा हुआ है कि मैं इस बिल्डिंग को कैसे ना कैसे, इस ढांचे को हटाऊं और मेरे बच्चे को ढूंढ। रात को 2 बजे इसे कुछ आवाज जैसा सुनाई देता है, वो और पावरफुली ईंटें हटाना शुरू कर देता है। सुबह के 4 बजे इसको पापा पापा करके आवाजें आने लगती हैं। कुछ लोग इसको कह रहे हैं कि तुम्हारा भ्रम है, तुम्हारा हेलुसिनेशन है, कोई ऐसे बच नहीं सकता। लेकिन ये इंसान सुनने को तैयार नहीं, हार मानने को तैयार नहीं। ये और मेहनत के साथ ईंटें मलबा हटाता जाता है और सुबह 4:45 AM ये अपने बच्चे सैमुअल को ढूंढ लेता है। इसका बच्चा कुछ इंजरीज के साथ वहां पे जिंदा उसको मिल जाता है। उसका बच्चा उसको कहता है, पापा मेरे 2 और फ्रेंड है अंदर है, प्लीज उनको भी बचाओ। ये सुन के कुछ और लोग जो आसपास थे वो भी दौड़ आते हैं, कोशिश करते हैं और 2 और बच्चे भी निकाल लिए जाते हैं। अब आप बताइए, आप में से कोई भी बताना चाहे, मैं अनम्यूट करूंगा आपको, कि अगर उस बच्चे ने, अब जिंदा बच गया है बच्चा ऐसी हालात में, तो वो बच्चे ने बाहर निकलकर क्या कहा होगा, कौन बोलना चाहेगा? What that child would have said, अपने पापा को थैंक यू बोला होगा या कुछ और बोला होगा? आप में से कोई हाथ ऊंचा करके बताना चाहेगा कि आप अगर उस बच्चे की जगह होते तो क्या कर रहे? ओके, पार्थ को अनम्यूट कर रहा हूं मैं, बोलो पार्थ। सर वो अपने फादर को यही बोलता कि आपने जो मुझे, जब आप मुझे स्कूल छोड़ने गए थे, जो आपने प्रॉमिस किया था वो आपने आज मुझे पूरा कर दिया। आपने बोला था तू किधर भी होगा वर्ल्ड में, किधर भी मैं तुझे ढूंढ लूंगा। ओके, नव्या आप क्या कहना चाहती हैं? बोलिए, आपको अनम्यूट कर रहा हूं। सर कि आपने इमीडिएटली खुद को अनम्यूट, वापस म्यूट कर दिया। एक और बच्चा था स्वयं, आप क्या कहते हैं इस जगह पे? सर उसको अपने पापा पे भरोसा था कि वो उसको लेने आएंगे ही वापस। आपको मैं मजेदार चीज बताता हूं। अब वो बच्चा जब बाहर निकला, उसके 2 दोस्त भी बाहर आ गए, तो वो अपने बाप के गले तक नहीं लगा, थैंक यू तक नहीं बोला, कुछ नहीं किया। अपने उन दोस्तों को बोलता है, देखा मैंने बोला था मेरे पापा जरूर आएंगे, मेरे पापा कभी अपना प्रॉमिस नहीं तोड़ते, मेरे पापा जरूर आएंगे। ये पावर होता है कॉन्फिडेंस का। ये कहानी सिखाती है कि फेथ कैन लिटरली मूव माउंटेन्स, विश्वास से पहाड़ भी हिलाए जा सकते हैं। उस बच्चे के लिए उस मलबे में पिता का पहुंचना कोई चमत्कार था ही नहीं, क्योंकि उसे यकीन था कि उसके पापा उसे बचाने के लिए जरूर आएंगे। अपने पिता पर, उस परम पिता परमात्मा पर ऐसा ही भरोसा रखें, वो आपको बचाने जरूर आएंगे, आपका साथ हमेशा देगा। ट्रस्ट करिए भगवान पर, ट्रस्ट करिए जीते जाते भगवान पर, अपने माता पिता पर, वो आपसे बहुत प्यार करते हैं। संसार में कोई और तुमसे इतना प्यार नहीं कर सकता जितना तुम्हारे माँ बाप तुमसे करते। इसी प्यारे से मैसेज के साथ
आज का यूनिट मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। अगेन लेक्चर खत्म हो चुका है, सिर्फ आखिरी एक मिनट जितना समय बचा है। ऐसे ही मजेदार कहानियों के साथ और लेक्चर्स के साथ हम फिर मिलेंगे शुक्रवार के दिन। उम्मीद करता हूँ कि आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी। गॉड ब्लेस एवरी वन ऑफ यू। बाय फॉर नाउ।